सूरदास काव्यखंड से आज का कौन सा पद देखिए। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मत करके, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते ही पहले ही पे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, पढ़ाए नहीं, पढ़ाए अगली लाइन में है। एक अति चतुर होते ही पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उदव भले लोग आगे के, पर हित दौलत धाए। अब अपने मन फेर पाही है, चलत जो हुते सुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तऊ यही सूर, जो प्रजा न जाही सताए। तो यहाँ पर जो है इस पद में गोपियां किस प्रकार से उद्धव से अपनी बात कहते हुए कह रही हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पर गोपियां क्या कह रही हैं। उनको अब ऐसा लगने लगा है कि इतने लंबे समय से गोपियां इंतजार कर रही थी भगवान श्री कृष्ण का, पर भगवान खुद तो मिलने आए नहीं उनसे, गोपियों से। और उसके बाद उसके बदले उन्होंने गोपियों के दुख को और अधिक बढ़ाने के लिए योग का संदेश देने वाले उनके मित्र उद्धव को भेज दिया। तो उससे गोपियां और भी अधिक नाराज हो जाती हैं। और किस प्रकार से जो वह तर्क देते हुए अपनी बात कहती हैं उद्धव से, देखिए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि अर्थात ये भगवान श्री कृष्ण के लिए है हरि। तो कह रही है कि ऐसा लगता है हरि अर्थात भगवान ने जो है राजनीति पढ़ी आए, राजनीति की शिक्षा बहुत अच्छे से ग्रहण कर ली। ऐसा लग रहा है वहां राजकाज संभालते संभालते जो है वो पूरे राजनीतिज्ञ बन गए हैं, राजनीति जो है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सीख ली। समुझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। फिर आगे वो क्या क्या कह रही है, समुझी बात मधुकर, मधुकर का अर्थ है भौरा। तो ये जैसा कि इसका भ्रमर गीत नाम है, भ्रमर गीत जो रचना है वहां से सूरसागर की भ्रमर गीत रचना से ये पद लिए गए हैं। तो भ्रमर के माध्यम से ही जो गोपियां हैं उद्धव को उलाहने देते हुए अपनी बात कह रही हैं। तो कह रही हैं समुझी बात कहत मधुकर के, क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, ये जो मधुकर है इसकी जो बात है वो क्या आपको समझ में आ रही है, ये क्या कह रहा है। के समाचार सब पाए, और हम सब समाचार जो है हमें मिल गए हैं। अर्थात वो गोपियां जो है कह रही कहना चाहती हैं कि इस पंक्ति का भाव अर्थ ये है, गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण की क्या नीति है वो अब उनको स्पष्ट हो गई है। अर्थात भगवान जो है वो क्या चाहते हैं, गोपियों के साथ उनका जो कैसा व्यवहार है वो अब उनको समझ में आने लगा है। क्योंकि तो गोपियां तो एक उम्मीद लगाए बैठी थी, आस लगाए बैठी थी कि भगवान आएंगे आएंगे, इसलिए वो इंतजार करती रही। लेकिन अब भगवान ने तो क्या है, भगवान को उनकी कोई चिंता ही नहीं है, और उन्होंने बल्कि उनके दुख को बढ़ाने वाला, उनके वियोग को बढ़ाने वाला जो है योग का ज्ञान और अपने मित्र उद्धव के द्वारा योगियों इनके लिए गोपियों के लिए जो है भिजवा दिया। तो इससे गोपियां बहुत नाराज हैं और वो कहती हैं एक अति चतुर होते ही पहले ही, कि भगवान श्री कृष्ण जो है जब पहले यहाँ रहते थे तभी वो बहुत चतुर थे, वो बचपन से ही क्या है बहुत चतुर थे पहले से ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथों का और अध्ययन कर लिया, और ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिए हैं, तो अब तो क्या है उनका ज्ञान और अधिक बढ़ गया है, और अधिक उनके ज्ञान में विस्तार हो गया है। तो इसलिए वो ऐसा हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। पठाए का अर्थ है भेजना, भेजा है बड़ी बुद्धि। फिर गोपियां कह रही हैं ऐसा लग रहा है हमें तो अब उन्होंने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है, और अनेक गुरु ग्रंथ भी उन्होंने पढ़ लिए हैं, तो इस कारण से उनकी जो बुद्धि है वो और अधिक बढ़ गई है। जब पहले यहाँ रहते थे तभी बहुत चतुर थे, लेकिन अब तो लगता है उससे ज्यादा भी वो उनको ज्ञान ग्रहण कर लिया है और उनकी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई है। इसलिए उनकी बुद्धि अधिक बढ़ने के कारण क्या किया है उन्होंने, योग संदेश पठाए, और हमें भी योग का संदेश हमारे लिए भेज दिया है कि हम भी उनके उसके योग संदेश को ग्रहण करें। इसलिए ये हमारे लिए आपके द्वारा ये योग का संदेश उन्होंने भेजा है। फिर आगे गोपियां क्या कहती हैं, देखिए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित दौलत धाए। भले लोग आगे के, उद्धव अर्थात हे उद्धव,
आगे के अर्थात पुराने समय के, जो पहले के लोग हुआ करते थे वो बड़े भले होते थे, अर्थात बहुत अच्छे होते थे। जो पहले के लोग होते थे वो कैसे होते थे, बहुत ही अच्छे होते थे। और वो क्या करते थे, परहित दौलत धाय, परहित अर्थात दूसरों की भलाई के लिए। तो पहले के लोग इतने अच्छे होते थे कि वो दूसरों की भलाई के लिए डोलते थे, अर्थात घूमते थे, दौड़ते थे। जब उन्हें लगता था कि कोई भी उनका पड़ोसी या साथी जो है मुसीबत में है, तो उसकी मदद करने के लिए वो हर संभव प्रयास करते थे, अपनी तरफ से जितनी वो सहायता कर सकते थे वो किया करते थे। इतने अच्छे होते थे पहले के लोग। लेकिन अब अपने मन फिर पाही है, चलत जो होते चुराए। अब आगे फिर गोपियां क्या कह रही हैं, अब तो हमें जो है श्री कृष्ण पर से हमारा भरोसा क्या है उठता जा रहा है, हमारा विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। इस वजह से अपने मन फेर पाए, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो मन है जिसको फूटे चुराया था, जिसको पहले भगवान श्री कृष्ण ने चुराया था, अब हम ये चाहती हैं कि वो हमारा मन हमें वापस लौटा दे। हम फिर से अपने मन को भगवान श्री कृष्ण से क्या है वापस पाना चाहती हैं, जो उन्होंने पहले चुरा लिया। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। फिर आगे वो क्या कर रही है, ते क्यों अनीति करें, अनीति करें अर्थात अन्याय करना। और भगवान श्री कृष्ण क्या है अब हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। अन्याय कैसे कर रहे हैं, और जे अनीति छुड़ाए, जब पहले यहाँ रहा करते थे वो, तब क्या करते थे, खुद ही दूसरों को, यदि दूसरे व्यक्तियों के साथ अन्याय होता था तो उसका विरोध करते थे श्री कृष्ण और उसको न्याय दिलवाते थे। लेकिन अब खुद ही हमारे साथ न्याय कर रहे हैं, न्याय नहीं सॉरी अन्याय कर रहे हैं, न्याय नहीं अब अनीति कर रहे हैं हमारे साथ, अर्थात वो अन्याय कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्योंकि राज धर्म जो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए, कि राजा का धर्म तो यह है। राज धर्म क्या कहता है कि उसे अपनी प्रजा को सताना नहीं चाहिए। राजा का धर्म यह है, राज धर्म यह है कि प्रजा जो राजा है उसे अपनी प्रजा की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, यदि किसी को कष्ट है तो उसके कष्ट को दूर करना चाहिए और प्रजा के साथ जो है न्याय करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण जो है अपने राजधर्म का पालन नहीं कर रहे, वो खुद राजा होकर ही हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने समय से उनका इंतजार कर रहे थे और उसके बदले क्या है, वो उनको अपनी प्रजा की कोई चिंता नहीं है, उनकी प्रजा का दुख दर्द की उनको कोई भी बिल्कुल भी जरा भी परवाह नहीं है, इसलिए तभी तो ये ऐसे हमारे साथ अन्याय भरा व्यवहार कर रहे हैं। वरना और पहले जब यहाँ थे तो वो बहुत अच्छे थे, खुद जो है यदि दूसरों के साथ गलत होते हुए देखते थे तो उसका विरोध करते थे और दूसरों को न्याय दिलवाते थे। लेकिन अब तो वहां जाकर ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण ने क्या है बहुत अधिक राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है, बहुत चतुर हो गए हैं और उनकी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई है, बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने ज्ञान ग्रहण कर लिया है। इस कारण से जो है क्या है, उनकी बुद्धि अधिक बढ़ जाने के कारण उन्होंने क्या किया है कि हमारे लिए भी योग का संदेश भेज दिया है, और खुद ही एक राजा होते हुए भी अपने राजधर्म का वो पालन नहीं कर पा रहे, अपनी प्रजा का कोई ध्यान नहीं रख रहे, प्रजा के सुख दुख की उनको कोई चिंता नहीं है, खुद ही अनीति का व्यवहार कर रहे हैं, जबकि राजा को तो न्याय करना चाहिए तो वो अपनी प्रजा के साथ अन्याय कर रहे हैं। इस प्रकार से गोपियां जो है अपने तर्क देते हुए उद्धव से कहती है। तो ये चौथे पद का अर्थ है बच्चों, और समझ में आ गया होगा आपको। हाँ बोलिए, हाँ जवाब दीजिए। हाँ यस मैम, यस मैम। केवल एक बात, तो आगे हम इसके जो प्रश्न है एमसीक्यू प्रश्न में देखते हैं ना आज की कक्षा में। अब आगे अभी समय है हमारे पास, क्योंकि अगला अगली जो परीक्षा है आपकी एमसीक्यू होगी है ना, तो मैम इसमें कर। हाँ बेटा मैम, ये बुक में जो प्रश्न बोलिए अभ्यास बोलिए। दिए हो, इनके आंसर तो बड़े। हाँ तो ये तो पहले हमने बड़े पहले होते हैं तो फिर ये करवा दिए महत्वपूर्ण थे ही ना, है ना। मैंने पहले पढ़ाया था आप, पहले मैंने डिस्कस, महत्वपूर्ण नहीं है से मतलब नहीं है, हमें करने तो है, तो मैंने पहले पहले हम तो पढ़ चुके हैं ना, तो हाँ इनके लिए क्या कहना चाहते हो बोलो। एमसीक्यू करी। अब एमसीक्यू ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं, ये भी आपको करने हैं, क्योंकि इनको यदि उत्तर लिखोगे तब भी आप, आपके लिए तो आसान है एमसीक्यू के प्रश्न, उसमें से भी आप कर सकोगे ना। तो ये पहले मैं कर चुकी हूँ इसलिए मैं दोबारा इनको मैं रिवाइज नहीं करवा रही, है ना। पहले डिस्कस किए थे ना मैंने क्लास में, और आप लोगों ने लिखे भी हैं अपनी नोटबुक में, तो
यस मैम तो इनको अब दोबारा नहीं करेंगे, अब केवल हम एमसीक्यू वाले प्रश्न करेंगे। यस मैम। तो बच्चों आप जो है एमसीक्यू वाले प्रश्न मेरे साथ ही मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर, आप नोट करते चलिए, और उत्तर तो उनके आप सरल ही है प्रश्न आप, लेकिन उसको मैं गूगल क्लासरूम में जब असाइनमेंट क्रिएट करूंगी ना, तब आप उसका उत्तर लिखकर मुझे भेजना प्रश्न के साथ में सारे, ठीक है? ओके मैम। हाँ अभी आप नोट कर लीजिए। ओके मैम। उत्तर बोलना नहीं है अभी आप, अब सभी बच्चे ध्यान रखना, केवल अब आप लिख लीजिए उत्तर। आपको मुझे पता है पाठ पढ़ लिया है, दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो आप उत्तर दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब फिलहाल बोलना नहीं है। अब आप नोट कर लीजिए और उत्तर प्रश्न के साथ में जैसे मैं लिखवा रही हूँ वैसे ही आप प्रश्न लिखेंगे, और नीचे अगली लाइन में उसका जो भी सही उत्तर है, जो विकल्प उत्तर के साथ में लिखकर मुझे आप गूगल क्लास में आज असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगी, तो वहां आप भेजना है सभी को। नंबर एक पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर एक पहला प्रश्न है, प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली और अबला समझती है? अपने आप को भोली, एक प्रथम भोली और अबला समझती है, तो विकल्प है गोपियां। मैंने मना किया था ना उत्तर बोलना नहीं है, कौन बोला है? पहला विकल्प है, देखिए देवकी, दूसरा है यशोदा, तीसरा विकल्प है राधा, और चौथा विकल्प है गोपियां। तो आगे दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर दो, मैम हाँ बोलो बेटा। हम सिर्फ आंसर लिखे कॉपी में, इसके नीचे या ऑप्शन भी लिखे? ठीक बिल्कुल ऑप्शन के साथ जैसे मैं लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है, शॉर्टकट में नहीं काम करना है, समझ में आ रहा है ना? आप पूरा लिखेंगे मेरे, फिर लिखवाने का मतलब क्या है, इसलिए तो मैं लिखवा रही हूँ पूरा आपको, मैम, पूरा लिखिए मेरे ऑप्शन साथ, भी लिखना बिल्कुल ऑप्शन भी लिखना है, ये नहीं कि सीधा आपने लिखा जल्दी से काम खत्म करना चाहते हो आप लोग, है ना? समझ में आ रहा है मुझे? आप पूरा लिखेंगे जैसे मैं लिख रही हूँ प्रश्न लिखेंगे, चारों विकल्प लिखेंगे, उस बाद जो उसका सही उत्तर होगा वो विकल्प अगली लाइन में लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न, इस तरीके से लिखना आप।
अगला प्रश्न। फूल चाटी ज्यों पागी, गुड़ चाटी ज्यों पागी, इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा गया है? इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? इस पहला विकल्प है इसमें, उद्धव को। दूसरा है श्री कृष्ण के प्रेम को। और तीसरा विकल्प है गोपियों को। और चौथा है कोई नहीं। सेकंड श्री कृष्ण के प्रेम को। मैंने मना किया ना आपको, ज्यादा होशियारी क्यों दिखा रहे हो बच्चों? ये पहले भी हम एक बार पढ़ चुके हैं, ये दोबारा रिवीजन चल रहा है, और आपको जैसा कहा है वैसा आप सुनिए और उसको अनुसरण कीजिए। आपको उत्तर नहीं बताना है अभी, आपको उत्तर लिख के भेजना है गूगल क्लासरूम में। ये नोट कर लिया आप, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे मैं लिखवाती हूँ। नोटेड मैम। हाँ सभी ने लिख लिया? कौन यस मैम। लिख लिया? नो मैम, मैम हाँ तो इसलिए, नीचे वाला नहीं लिखा, ऊपर वाला मिटा दो। हाँ तो इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ, सभी ने लिखा है। आप बोलने में रहते हो, लिखो जल्दी से, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। हो गया मैम। होगा मन ही मांझ रही, मन ही मांझ रही, इस पंक्ति का क्या अर्थ? पंक्ति का क्या अर्थ है?
पहला विकल्प है मन का भेद, दूसरा विकल्प है मन की दृढ़ता, तीसरा विकल्प है इसका मन की बात मन में ही रहना, और चौथा विकल्प है सभी। आगे फिर प्रश्न नंबर चार, चौथा प्रश्न की गोपियों ने हरि की तुलना गोपियों ने हरि की तुलना किससे की है? पहला है इसमें विकल्प बाज से, दूसरा है कबूतर से, तीसरा विकल्प है हारिल, से और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो आगे पांचवा प्रश्न, प्रश्न नंबर पांच, गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? पहला विकल्प है इसमें यशोदा को, दूसरा विकल्प है श्री कृष्ण को, तीसरा विकल्प है उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को, ये दिख रहा है ना बोर्ड पर, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को, और चौथा विकल्प है सभी। हाँ बच्चों ये जल्दी से आप नोट कर लीजिए इनको, फिर आगे लिखवाते। लिख लिया मैम। हाँ बेटा और बच्चों को भी लिखने दीजिए। मैम साइड प्लीज। हाँ बेटा साइड हो गई मैं, लिखिए आपने।
नोटेड मैम नोटेड मैम ओके 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 हाँ सभी ने लिख लिया यस मैम ठीक है आगे लिखवाते हैं पहला विकल्प है इसमें मन की चालाकी, दूसरा है विकल्प मन का चक्र और तीसरा विकल्प है मन की अस्थिरता। मन की अस्थिरता चौथा विकल्प है सभी। आगे फिर प्रश्न नंबर 7 सही वैसे ही नंबर में लिख दे रही है, 7वां प्रश्न है ना। अगला प्रश्न है तो व्याधि हमको ले आए, हमको हमको मैम हाँ बेटा आपने सारे MCQs है ना वो पहले ही लिखवा दिए क्या? यस मैम क्या हाँ बोलिए मैम ये सारे MCQs आपने पहले ही लिखवा दिए। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ रिवीजन चल रहा है, मैं पहले एक बार करवा चुकी हूँ। रिवीजन का मतलब क्या है? हमें लिखे हुए हैं हाँ तो मैम हमें वापस लिखना पड़ेगा। बिल्कुल लिखिए पहले आपने लिखे हैं, लेकिन पहले तब तक ये डिसाइड नहीं हुआ था सीबीएसई से, हमारे पास ये नहीं आया था ना, ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, वो तो मैंने आपको वैसे ही करवाए थे मैम। पर ये तो वैसे ही है सेम टू सेम। हाँ यस मैम सेम टू सेम है, रिवीजन तो करवा रहे हैं ना, बात तो वही है ना, मैं वही तो कह रही हूँ आपसे, पहले हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें, अब रिवीजन चल रहा है, लेकिन पहले हमें सीबीएसई से ये नहीं सूचना मिली थी कि सारा ही प्रश्न वैकल्पिक होगा,
ये तो कुछ प्रश्न जो है पिछली बार आधा पेपर जो है उसमें ऑप्शन वैकल्पिक होता था और आधी में जो आपको दूसरे तरह के प्रश्न होते थे, तो उसके आधार पर तैयारी करवाई। अब तो पूरा ही प्रश्न वैकल्पिक होगा ना। तू तो व्याधि हमको ले आए, इस पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? इस पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? पहला विकल्प है, देखिए विरह को, दूसरा है भक्ति को, तीसरा विकल्प है इसमें योग साधना को, और चौथा विकल्प है कोई नहीं। आगे अपरस रहत स्नेह संगातहिं, अपरस रहत स्नेह संगातहिं, दिख रहा है ना? हाँ, तो यहाँ तगा का क्या अर्थ है? यहाँ तगा का क्या अर्थ है? पहला विकल्प रबर, दूसरा धागा, तीसरा विकल्प है संबंधी, और चौथा विकल्प है सभी। इसको लिख लीजिए बच्चों, ये लिख लीजिए और मैं असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगी आज ही। तो सभी प्रश्नों के उत्तर जो है प्रश्न सहित, प्रश्न भी लिखने साथ में, उसके बाद फिर उत्तर लिखना आपको जो सही विकल्प होगा, ये सब आप भेजेंगे गूगल क्लासरूम में, नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिया सभी ने? यस मैम, लिख लिया लिख लिया। किसने नहीं लिखा, इसलिए तो बोला मैंने आप लोग जल्दी थोड़ा लिखिए। मैम लिख लिया। ठीक है बच्चों, क्लास फिर समाप्त होती है, बाकी बच्चे को प्रश्न हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।